नमस्कार। आखिर भारत से भागे हुए भगोड़ों का प्रमुख स्थान, मुख्य स्थान यूं कह सकते हैं, अपना पसंदीदा स्थान ब्रिटेन क्यों होता है? जितने भी भगोड़े होते हैं ना, यहां से हिंदुस्तान से अपने इंडिया से फ्रॉड करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बैंकों से पैसे हड़प लेते हैं या किसी का मर्डर करते हैं, भागकर जाकर सीधे ब्रिटेन में बैठ जाते हैं। आखिर पूरे वर्ल्ड में उनके लिए ब्रिटेन ही ऐसा देश क्यों है जो वो भाग कर ब्रिटेन जाते हैं? वो अमेरिका, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आखिर ऐसे देशों में क्यों नहीं जाते? सीधे जाएंगे, यहां से कुछ क्राइम किया, सीधे जाएंगे ब्रिटेन, जाके छिप जाएंगे और ब्रिटेन की नागरिकता ले लेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, नीरव मोदी, विजय माल्या, अभी हाल ही में ललित मोदी का फोटो आया था सुष्मिता सेन के साथ में, वहां आराम से एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं। खबर तो यह भी आई थी कि वो सुष्मिता सेन के साथ में शादी कर रहे हैं। यहां से करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करके गए, अरबों रुपए का फ्रॉड करके गए और वहां लंदन पे जाके बैठ गए। आई जिनको इन ललित मोदी को आईपीएल का जनक कहा जाता है, तो आखिर ये यहां से जाकर वहां बैठ जाते हैं और लंदन में और ब्रिटेन में वहां मजे करते हैं और अपन कुछ नहीं, अपन सिर्फ देखते रहते हैं। अपन देखते हैं यार, ये भारत के इतने सारे फ्रॉड करके गए, वहां मजे ले रहे हैं। आखिर भारत की सरकार इनको ला क्यों नहीं रही है? आखिर ऐसा क्या अड़ंगा लगता है कि ब्रिटेन से अपन भगोड़े नहीं ला पाते? इवन ब्रिटेन और भारत के बीच में प्रत्यर्पण की संधि है, फिर भी अपन ब्रिटेन से उनको नहीं ला पाते, क्यों? आज उस वजह को तलाशेंगे, आइए देखते हैं। भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई थी कि हमारे यहाँ पे अगर कोई भगोड़ा छिप के आपके देश में आ जाएंगे तो आप हमको वापस लौटा देना, और हमारे अगर यहाँ पर कोई भी आपका भगोड़ा आ जाएगा, आपका अपराधी हमारे यहाँ पर रहेगा, तो हम आपको लौटा देंगे। यह संधि हुई थी ब्रिटेन और भारत के बीच में 30 दिसंबर 1993। लेकिन मुझे नहीं लगता इस संधि का कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष इफेक्ट पड़ा हो। संधि जरूर हो गई है 1993 में, लेकिन इतने सालों में, देखिए आप, तकरीबन 28-29 सालों में अभी तक हम सिर्फ एक व्यक्ति को, समीर भाई पटेल को ब्रिटेन से ला पाए, जो भारत में मर्डर करके ब्रिटेन में छुप गए थे, उनको सिर्फ एक बार इन 28 सालों में सिर्फ एक व्यक्ति को अपन ला पाए हैं। बाकी तो सारे व्यक्ति, अधिकतर भगोड़े तो वहाँ छुप कर, किसी की तो मौत भी हो गई है और कोई तो आराम से जिंदगी भी काट ली है, केस चलते ही रहे, लेकिन उनको ला नहीं पाए। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, भगोड़े कौन कौन है? नदीम श्रवण, नदीम गुलशन कुमार की हत्या करके नदीम भी वहाँ ब्रिटेन में भाग गया, उसको भी अभी तक नहीं ला पाया है। हनीफ गुजरात बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, ये भी वहाँ छुप गया, इसको भी नहीं ला पाया। ललित मोदी आईपीएल के जनक, ये भी करोड़ों फ्रॉड करके, इनको तो आप जानते हो, अभी इंटरनेट इंटरनेट पर इनके मतलब बहुत ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे सुष्मिता सेन के साथ में। विजय माल्या बैंक के 9,000 करोड़ के घोटाले, नीरव मोदी 17,000 बैंक करोड़ का घोटाले, ये सारे भगोड़े हैं। सिर्फ अभी तक अपन से समीर भाई पटेल को ला पाए हैं, बाकी तो किसी को नहीं ला पाए। अब इसके पीछे रीजन क्या है, मेन क्या कारण है, ये देखिए आप। यूरोपीय संघ के अनुच्छेद 8 के अनुसार ब्रिटेन पूरा यूरोप के अंडर में आता है और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, इन्होंने अपना एक अलग से संविधान बना रखा है। ब्रिटेन का संविधान तो ही है, लेकिन यूरोप का एक अलग से चार्टर भी बना रखा है, उसमें आता है एक अनुच्छेद 8, मेन जड़ यही है। इसके कारण अपन वहां से भगोड़ों को लाने में अपन को दिक्कत आती है। अनुच्छेद 8 में देखिए, इसमें मानवाधिकार को लेकर एक सख्त कानून है ब्रिटेन में, मतलब वहां पे जो मानवाधिकार का जो कानून है उसको लेकर एक सख्त कानून है। अब सख्त कानून है क्या है ये देखिए, अगर अपन वहां ब्रिटेन अपना भगोड़ा छुपकर, इंडिया से भगोड़ा छुपकर वहां ब्रिटेन में चला गया, अपन वहां उनको लाने के लिए वहां कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, तो वहां का जो कोर्ट है क्या देखती है, किसी व्यक्ति की यातना या उसको सजाए मौत के लिए तो नहीं ले जाते, वहां पर केस चलता है। जैसे अपन उस भगोड़ों को ला रहे हैं, तो ब्रिटेन की अदालत देखती है क्या कहीं इंडिया में उनको ले जाकर
यातना तो नहीं दी जाएगी, तरह तरह का टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा, क्या उस भगोड़े को सजाए मौत तो नहीं दिया जाएगा, ये भी देखती है। और भारत के गवर्नमेंट को एक वहां पर श्योरिटी देनी पड़ती है, ना तो हम उनको यातना देंगे नहीं उनको सजाए मौत देंगे, उनको सिर्फ सजा देंगे आजीवन जेल में रहना होगा, ये शपथ पत्र वहां देना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन की अदालत ये देखती है। सेकंड, राजनीतिक कारण कि कहीं उस भगोड़े को राजनीतिक अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो ये सरकार नहीं ले जा रही है। अब पॉइंट की बात देखना कैसे नीरव मोदी और विजय माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में यही कारण दिया है। नीरव मोदी और विजय माल्या कहते हैं ब्रिटेन की अदालत में कि भारत सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमको ले जा रही है। जहां वहां भारत में जहां चुनावी रैलियां होती है तो वहां के विपक्षी नेता और पक्षी नेता दोनों हमारा नाम लेते हैं। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का घोटाला करके ब्रिटेन भाग गया है, नीरव मोदी भी करोड़ों रुपए का घोटाला करके ब्रिटेन भाग गया है, तो वो कहते हैं हमारा सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी हमें भारत ले जाया जा रहा है। तो वहां के जो भगोड़े हैं ना नीरव मोदी और विजय माल्या ने ब्रिटेन की अदालत में यही रीजन दिया है कि हमें राजनीतिक कारण से ले जाया जा रहा है, वहां पे जो राजनीतिक हमारा फायदा उठाया जाएगा। अगर ब्रिटेन को लगता है कि यहाँ के जो अपने निवासी हैं इनको अगर राजनीतिक कारण से किसी देश में ले जाया जा रहा है तो ब्रिटेन की अदालत वो मना कर देती है। तो विजय माल्या और नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में यही कारण दिया है, आपको मैं बता देता हूँ। थर्ड, पारिवारिक जीवन के अधिकार से वंचित। ब्रिटेन की अदालत कहती है कि आप किसी भी अपराधी को पारिवारिक जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो, उसका परिवार उसके साथ में रहना चाहिए और वो परिवार से मिलता जुलता रहना चाहिए, वहाँ का जो मानवाधिकार कानून ये कहता है। फोर्थ, भारत व ब्रिटेन का कानून लगभग समान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखना आप, ब्रिटेन ने तो वर्षों तक भारत के ऊपर राज किया है, भारत को गुलाम बना कर रखा है, अधिकतर मतलब 50% कानून भारत के ऊपर थोप दिए और अभी तक वही ब्रिटेन के कानून भारत में चल रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ब्रिटेन में भी ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जो भारत के कानून से वाकिफ हैं और ऐसे मामले को वो आसानी से यूं चुटकियों में हैंडल करते हैं। उनको पता है कि कैसे मामले को लंबा चलाना है, वो तारीखों पर तारीखें लेते हैं और उस मैटर को ऐसा हैंडल करते हैं कि एक प्रोफेशनल वकील हैंडल करता हो। क्यों? क्योंकि उनको भारत के कानून का सारा नॉलेज आता है, एक ये रीजन भी है। फिफ्थ, प्रत्यर्पण के मामले लंबे चलते हैं। ब्रिटेन में किसी भी देश का प्रत्यर्पण का मामला हो वहाँ पे लंबे चलते हैं, लंबी लंबी तारीखें आती है और तब तक तो वो जो सामने वाला भगोड़ा है ना उसकी मौत भी हो जाती है। तो ये मेनली फाइव रीजन है कि आखिर अपन अपने जो भगड़े होते हैं इंडिया देश के जो जाकर ब्रिटेन के बैठ जाते हैं उनको आखिर लाने में इतनी देर क्यों लग जाती है, 30-30, 35-35 साल तक वो वहाँ अपन क्यों नहीं ला पाते, वो वहाँ ब्रिटेन में मजे करते रहते हैं, अपन उनको देख देख कर अपना मन दुखी करते रहते हैं कि यहाँ से फ्रॉड करके यहाँ से भ्रष्टाचार करके वहाँ ब्रिटेन वहाँ मजे कर रहे हैं, अपन उनको ला नहीं पा रहे, उनको जेल में नहीं डाल पा रहे, इस कारण से इन 5 कारण से अपन उनको ला नहीं पाते हैं। तो आज आपने जाना होगा कि आखिर ब्रिटेन से अपने प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद इन भगोड़ों में लाने में इतनी देर क्यों होती है।